और सोलन में लगातार हो रही बारिश का असर भी अब दिखने लगा है। कोटी और सनवारा रेलवे स्टेशन के बीच पानी भर गया। सुरंग नंबर 10 के पास रेलवे ट्रैक का पानी पानी हो गया है। पानी भरने से ट्रेनों की आवाजाही यहां पर पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो लगातार मूसलाधार बारिश का असर अब रेल व्यवस्था पर पड़ने लगा है, रेल सुविधा पर पड़ने लगा है, जहां ट्रैक में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विशाल वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, रेलवे ट्रैक को कब तक सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाएगा? बिल्कुल, जो हिमाचल है, हिमाचल में इस समय काफी बरसात चली हुई है और बरसात के चलते इस समय यातायात जो है पूरी तरह से बाधित हुआ है। जहां ना सिर्फ आपका सड़कें बाधित हो रही है, वहीं रेल मार्ग भी अब बाधित होने लगे हैं। जो ये रेल मार्ग है, ये काफी समय से बाधित है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1 से 2 घंटे बाद इसे बहाल कर दिया जाएगा। जो रेलवे की टीम है मौके पर है और वो इसे जो है, जो मलबा सड़कों पर आया और जो पानी है, उनको सब निकालने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। ये पहली बार नहीं है, इस मौसम में कई बार ऐसा हो चुका है कि मलबा रेलवे ट्रैक पर आ रहा है और बार बार जो है रेलवे जो है बाधित हो रही है। जी, तो बिल्कुल बार बार यहाँ पर जो रेलवे व्यवस्था है वो बाधित हो रही है, इसके पीछे की क्या वजह सिर्फ और सिर्फ बारिश है या उचित रखरखाव भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से समय समय पर किया जा रहा है और सिर्फ मौसमी परेशानी है? बिल्कुल, जो मौसमी परेशानी है वो तो सबसे बड़ा कारण यही है। मैं आपको बता दूं, ये हेरिटेज पार्क है, यहाँ पर इसमें ज्यादा जो है छेड़छाड़ भी नहीं की जाती है। यानी ये जिस प्रकार का रेलवे ट्रैक बना है, ये यथास्थिति इसकी ऐसी ही हमेशा जो है बरकरार रहती है। जब बरसात होती है तो बरसात के दिनों में जो पहाड़ियां हैं वहां से मलबा अक्सर जो है वो रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। हिमाचल में ऐसी घटनाएं होना जो है एक आम सी बात देखी जाती है, और जो खासकर रेलवे ट्रैक में तो ये कभी कभार देखने को मिलता है, लेकिन जो सड़क मार्ग है इसमें ऐसी चीजें आम बात देखने को मिलती है। रेल मार्ग भी अब बाधित होने लगे हैं, क्योंकि अब जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के कटान के कारण अब मलबा भी आने लगा है। रेलवे ट्रैक से कई जगह ऐसी है कि जहां पर अब भवनों के निर्माण भी उनसे ऊपर हो गए हैं, और वहां से भी मलबा धीरे धीरे अब जो सड़क पर है वो रेलवे ट्रैक पर आने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो हिमाचल में देखने को मिलता है वो बेमौसमी बारिश ही होती है, वहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि जब बरसात के अक्सर ऐसे मौसम होते हैं तो उसमें प्रशासन कुछ अपनी तरफ से सावधानियां बरतता है। लेकिन अब हिमाचल की नहीं, सारी जगह बरसात आ चुकी है और अब ऐसी घटनाएं जो है हिमाचल में देखी जाने वाली बात अब एक आम सी बनकर रह गई है। रेलवे मार्ग हेरिटेज इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं तो हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन ऐसी बातें, रेलवे पर मलबा आना और सड़क के नीचे से जमीन खिसकना, मैं आपको बता दूं जो दत्यार वाले एरिया, यहाँ पर नेशनल हाईवे के काम भी चले हुए हैं और उसके नीचे से भी कई बार हम देखा होगा कि वहां से मिट्टी खिसक कर दूसरे सड़कों पर आ गई है। रेलवे ट्रैक को भी कई बार खतरा भी अब हिमाचल में बनने लगा है। जी बिल्कुल, तो खतरा यहाँ पर कहीं ना कहीं आमजन को बन रहा है और ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।